हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी भोजनशाला में। आज हम बनाएंगे राजगरा और सिंघाड़े की स्वीट बूंदी। ये बूंदी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इससे पहले कि फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी राजगरे का आटा लिया है और आधा कटोरी मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है। एक कटोरी चीनी चाहिए हमें और 10 से 12 काजू के पीस लिए हैं। एक पिंच येलो फ्रूट कलर लिया है। कलर इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें और ना चाहे तो ना डालें। बूंदी को फ्राई करने के लिए हमें घी चाहिएगा, आप इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी को बना करके तैयार कर लेते हैं। गैस ऑन कर दिया है हमने और गैस पर हमने बर्तन को रख करके उसमें चीनी डाल दी है और चीनी को डूबने इतना हमने उसमें पानी डाला है। हमें इसका तार नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का सा चीनी को गाढ़ा होने तक ही पकाना है। तो ये देखिए, चीनी हमारी हल्की गाढ़ी हो चुकी है। हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए, तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं और इसे ढक करके रख देते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसके अंदर हम ये आटा डाल देते हैं, सिंघाड़े का आटा, राजगरे का आटा भी डाल देते हैं और ये कलर भी इसमें हम डाल देते हैं। इन सभी चीजों को मिक्स करते हुए हम इसका एक घोल बनाएंगे पानी की सहायता से। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं इसमें। ये देखिए, हमने इसका एक घोल बना लिया है। ये घोल ना तो ज्यादा गाढ़ा है और ना ही ज्यादा पतला है। बूंदी बनाने के लिए हमें इस तरह के झारे की आवश्यकता लगेगी। ये झारा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब हम बूंदी को बनाना शुरू करते हैं। तो घी को हमने गर्म रख दिया है, घी हमारा हल्का गर्म हो चुका है। तो हम अब उसमें पहले काजू को फ्राई कर लेते हैं। काजू को हमें बिल्कुल धीमी धीमी आग पर ही फ्राई करना है, क्योंकि काजू बहुत जल्दी से जलने लगता है, तो इसलिए आप काजू को धीमी आग पर ही फ्राई करें। काजू हमारा फ्राई हो चुका है तो इसे निकाल लेते हैं। अब हम बूंदी को बनाएंगे। तो झारे पर हम एक चम्मच बैटर डाल देंगे और इस तरीके से धीरे धीरे से चलाते हुए हम इसकी बूंदी बनाएंगे। हमें धीरे धीरे ही चलाना है चम्मच को, एक साथ तेज तेज नहीं चलाना है, नहीं तो कि बूंदी में जो गांठें पड़ जाएगी तो वो अच्छी नहीं दिखेगी। फिर ये देखिए, एक एक बूंदी कितनी अच्छी लग रही है। इसे हमें इसी तरीके से हिलाते हुए फ्राई करना है। ये देखिए, बूंदी हमारी फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। और बाकी बची हुई बूंदी को भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो झारे पे हम थोड़ा सा बैटर डाल देंगे और इसे इसी तरीके से धीरे धीरे से चलाते हुए हमें इसकी बूंदी बनाना है और इसे भी हमें इसी तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए, बूंदी हमारी फ्राई हो गई है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं
और बाकी जो बची है बूंदी उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। हमने सारी बूंदी को फ्राई कर लिया है, अब हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। तो चाशनी हमारी हल्की गर्म ही रहनी चाहिए, चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी होती है तो फिर जो बूंदे हैं उसमें अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो चाशनी को आप हल्का गर्म कर लें अगर ठंडी हो गई हो तो, और काजू डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अब हम इस पर प्लेट ढक करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये बूंदी हमारी बहुत अच्छी बनकर के तैयार हुई है, आप देख सकते हो। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी टेस्टी बूंदी बनकर के तैयार हुई है। आप इसे व्रत में बना करके जरूर खाएं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगे आप मुझे बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब